हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि कुछ समय पहले जिमिन को कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा और उनकी सर्जरी भी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी आर्मी जिमिन को वेवर्स ऐप और ट्विटर पर मैसेज कर रही थी कि अब उनकी हालत क्या है और उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। जब जिमिन को इतने सारे मैसेज आ रहे थे तो जिमिन ने आर्मी के लिए एक मैसेज शेयर किया कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है और कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। जिमिन ने पहले मैसेज में ये शेयर किया कि आप सभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और दूसरे मैसेज में लिखा कि आप सभी इतना टेंशन ले रहे थे उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अब बहुत ठीक हूँ पहले से और अब मैं कुछ टाइम बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाऊँगा। जिमिन ने ये भी बताया कि उन्होंने 3 बार खाना भी खाया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिमिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है। और उन्होंने लास्ट में ये भी शेयर किया कि बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, मैं पहले की तरह ठीक होकर वापस आऊँगा। तो दोस्तों, आपको जिमिन के इस मैसेज से पता चल ही गया होगा कि जिमिन की कंडीशन अब ठीक है और कुछ टाइम बाद वापस भी आ जाएंगे हॉस्पिटल से। तो दोस्तों आप लोग को भी अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जिमिन कुछ समय बाद ही पूरी तरीके से ठीक होकर हमारे पास आ जाएंगे। और वैसे भी BTS का नेक्स्ट मंथ कॉन्सर्ट होने वाला है साउथ कोरिया में, जिसके लिए जिमिन को जल्दी से जल्दी ठीक भी होना पड़ेगा और उनको काफ़ी ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो आराम नहीं करेंगे वो कॉन्सर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही अगर आपको BTS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर BTS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा टब एंड टेक केयर।